इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, चैलेंजेस देखे, अच्छा टाइम बुरा टाइम सब देखा. और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिकेट ने एक अच्छा इंसान बनाया. और जो लर्निंग मेरी इस जर्नी में हुई है, आई थिंक अगर मैं घर पे होती तो उस तरीके से मैं जो लाइफ को अंडरस्टैंड ना कर सकती. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और पाकिस्तान के लिए खेलना हमेशा से एक ऑनर की बात रही है. डोमेस्टिक में हमारी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स, एशियन गोल्ड मेडल हम लोग लेकर आए 2 दफ़ा, और फिर वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया. और जिस तरीके से हम लोगों ने वेस्ट इंडीज को 2018 में उसमें हराया था, वो एज बिंग कैप्टन. और आई थिंक कुछ फिर इंग्लैंड में हम लोग मैच जीते थे, उसमें मैं लास्ट ओवर करी थी. तो मेरे ख्याल से कुछ मोमेंट्स हैं जो आपके जहन में बैठ जाते हैं. PCB ने जो सपोर्ट, सबसे पहले जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात थी. और जिस तरीके से उन्होंने हम लोग का ख्याल रखा, और डेफिनेटली फॉर मी पेरेंटल पॉलिसी वाज द गेम चेंजर इन वुमेंस क्रिकेट, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि थ्रू आउट बहुत ज़्यादा इस पर अप्रिशिएट किया गया. एज बीइंग वुमन आई थिंक ये एक एसेंशियल चीज़ है, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपकी लाइफ नहीं है, लेकिन बाकी भी जो चीज़ें वो वुमेन को साथ लेके चलनी पड़ती हैं. और फॉर कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको इस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करे और आपको अपॉर्चुनिटी दे कि आप अपनी दूसरी लाइफ को भी साथ लेकर चल सके. तो मेरे ख्याल से इसमें PCB का बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है मेरी कैरियर में. इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती थी, लेकिन मेरे टाइम बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत से लोगों ने फॉलो किया और बड़े अच्छे फैंस मिले. ख़ास तौर पर मदरहुड के बाद जो प्यार मुझे मिला और जो प्यार फातिमा को मिला, दैट वाज कमेंडेबल. और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और वो एक बहुत बड़ा चेंज था. थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और वास्तव ये चीज़ ऐसी मेमोरीज है जो मैं अपने साथ जो बहुत क्लोज रहेंगे मेरे हार्ट के. बहुत से ग्रेट प्लेयर्स के साथ फील शेयर किया है, और सबके साथ एक रिस्पेक्टेबल जो है वो एक बॉन्ड रहा है. और जो हमारे अपनी जो टीम के प्लेयर्स हैं उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनके साथ. तो आई फील लाइक एक जो यू नो सिस्टर बॉन्डिंग जो है वो मैंने इसमें हासिल की है, और आई थिंक थ्रू आउट माई लाइफ जो है इसको मैं अपने साथ लेकर चलूँगी.